हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को केदारनाथ मंदिर की यात्रा में ले जा रहा हूं। साथ ही बताने वाला हूं कि यहां पर कैसे आए। इसके साथ मैं बताने वाला हूं कि इस मंदिर की इतिहास क्या है तथा इस मंदिर के दर्शन के लिए सही समय क्या है। यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ मंदिर की यात्रा। केदारनाथ मंदिर पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना होगा, जो केदारनाथ से 216 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत में प्रमुख स्थलों के लिए कई लगातार ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। आप टैक्सी या बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लाइट के माध्यम से केदारनाथ मंदिर कैसे पहुंचें। गौरीकुंड के लिए निकटतम हवाई अड्डा जोली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहाँ से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी होगी, जिसमें आप घोड़े, पालकी इत्यादि की सवारी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेकिंग नहीं करना चाहते हैं तो देहरादून में उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में छोटा चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देश की 12 ज्योतिर्लिंगों से सबसे ऊंचा है और भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर अपने सामने बहने वाली मंदाकिनी नदी के साथ बर्फ से ढके और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित होने की वजह से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय क्या है। केदारनाथ मंदिर के द्वार दर्शनार्थियों के लिए सुबह खोल दिए जाते हैं, जिसके लिए रात से ही लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। 5 बजे फिर मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव का श्रृंगार होता है और इस दौरान कपाट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर 7:30 से 8:30 बजे तक आरती होती है। आपको बता दें कि भगवान शिव की मूर्ति 5 मुख वाली होती है। अब हम आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर का जन्म कैसे हुआ। इस मंदिर के पीछे का इतिहास बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को मारने के बाद अपने आप को दोषी महसूस किया था, इसलिए वे चाहते थे कि भगवान शिव उन्हें पापों से मुक्ति दे। लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडव सबसे पहले काशी गए, जहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि शिव हिमालय में है। इसके बाद पांडव हिमालय के लिए भी आगे बढ़े, लेकिन शिव उन्हें पापों से आसानी से मुक्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को भैंस के रूप में बदल लिया और गुप्त काशी चले गए। इसके बाद पांडव गुप्त काशी भी पहुंचे और एक अनोखी दिखने वाली भैंस को देखा। पांडवों में से एक भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली और भैंस अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। ऐसा माना जाता है कि इसका कुब केदारनाथ में गिरा था और इसके बाद केदारनाथ मंदिर का जन्म हुआ था। अब हम आपको बताते हैं केदारनाथ मंदिर के आसपास पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बासुकी ताल के बारे में। बासुकी ताल एक खूबसूरत झील है, जिसकी केदारनाथ से दूरी महज 8 किलोमीटर है। यहां आने वाले यात्री झील के पास स्थित चौखंबा चोटी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दूसरा है शंकराचार्य समाधि। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि केदारनाथ के पास ही स्थित है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोग उनकी समाधि पर जरूर जाते हैं। वो शंकराचार्य वही थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी के केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और चारों मठों की स्थापना की। अब बताते हैं चंद्रशिला के बारे में। यह 3679 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रेकिंग करने की काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन दिसंबर से जनवरी में बर्फ पड़ने के कारण यहां ट्रेकिंग रोक दी जाती है। पहली बार ट्रेकिंग करने वाले लोगों के लिए यह जगह अच्छा अनुभव है। अब चलते हैं सोन प्रयाग की ओर।
सोनप्रयाग केदारनाथ से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1829 किलोमीटर है। यह वही जगह है जहां वासुकी और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। अब हम बताते हैं केदारनाथ मंदिर यात्रा करने की सबसे अच्छा समय कौन सा है। केदारनाथ वर्ष के अधिकांश भाग में ठंडा रहता है, हालांकि केदारनाथ की यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह है कि अपनी यात्रा का योजना बनाते समय सर्दियों के मौसम को टालना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक भारी वर्षा के साथ शून्य के नीचे तापमान पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे दिए हुए वीडियो से आपको ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो अपडेट करता रहूँ। धन्यवाद।